Audio Jungle. यमुना बिहार सी 9 में पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें एनिमल डॉक्टर और उनके पूरे परिवार को 24 अप्रैल से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। टेस्ट के लिए उनकी रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन अभी तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। तेज निगाह चैनल के माध्यम से क्वारंटाइन परिवार ने अपील की है कि उन्हें परेशान न किया जाए। इस पूरी खबर को तेज निगाह की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये वही गली है जिसमें कि एक परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि वो किसी कोरोना पॉजिटिव के टच में आए थे और इसीलिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टि से पूरे परिवार को अंदर ही क्वारंटाइन किया गया। उस गली के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? किशन कुमार कौशिक। किशन जी, बात करें जिस तरह देखा गया है इस गली में कोरोना के मद्देनजर जो क्वारंटाइन किया गया परिवार, कौन परिवार है, कितने लोग हैं? मेहरा जी हैं, वो उनका एक बेटी है, बेटी के नाम से ही क्वारंटाइन पोस्टर लगा हुआ है। बेटी है, बेटा है और मम्मी पापा, उनके चार जने हैं, उनको होम क्वारंटाइन करा गया। तो कब ये किया गया था, कैसे पता लगा था? ये इतना आइडिया नहीं है जी, लेकिन वो बता रहे कहीं गई थी वो किसी, उसमें वहाँ से उनको टच में आए होंगे तो इसलिए उनको क्वारंटाइन यहाँ करा है। चार दिन हो गए, 24 तारीख को करा था उनको, 8 तारीख तक के लिए। तो वो घर में है, अपने घर में ही रह रहे हैं। गली में देखे हैं जिस तरह कोरोना का बड़ी दहशत होती है लोगों में, तो आपके यहाँ पे कैसा लगो? नहीं जी, सब उनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप घर में रहो। हमने उनको फोन नंबर दे दिया गार्ड का, आपको कुछ भी सामान चाहिए गार्ड को फोन करो, आप गार्ड आपको वहाँ पहुँचा के रख देगा, आप अपने आप ले लेना। वो घर से बाहर अब नहीं आ रहे, वो बिल्कुल भी घर में ही है। और दूसरी बात ये करें कि जिस तरह एहतियात के तौर पर देखा जाता है, सैनिटाइज और जो भी जरूरत की गली में कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए जो वो हमने क्या कर रखा है जी, सब्जी वाला आता है वो गली के बाहर ही खड़ा रहता है, वो गली में आवाज लगाता है, एक एक आदमी आता है वो अपनी सब्जी लेके चला जाता है। और दूसरी बात करें इस तरह प्रिकॉशन के बारे में बात करें, निगम पार्षद के द्वारा कैसी कार्रवाई? बहुत बढ़िया काम है जी इनका, प्रमोद भाई जी का बहुत अच्छा काम है, हमारे यहाँ दूसरी बार हो रहा है। और हमें कोई भी समस्या होती है हम उनसे बोलते हैं, हमारा काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। देख सकते हैं कि ये C9 यमुना बिहार मकान नंबर 84 से 95, जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, यानी 95 नंबर जो मकान है उस मकान में कोरोना संक्रमण के तहत एक परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब से ये परिवार क्वारंटाइन किया गया है, तब से क्षेत्रीय निगम पार्षद और स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मी पूरी एहतियात के तौर पर यहाँ पर रोजाना सैनिटाइज भी करा रहे हैं। गलियों में रहने वाले लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो किसी तरह के बह ना माने, दहशत ना माने। अभी तक उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, टेस्ट के लिए रिपोर्ट गई है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये परिवार जो क्वारंटाइन किया गया है इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव है या फिर वो एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। दिक्कत तो फेस करने को मिल रही है, हम लोगों की फोटोज खींचकर ग्रुप्स में आ रही है, अदर ब्लॉक से अपडेशन आ रही है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है थोड़ा कि इस घर में पॉजिटिव केस आया है, ये आया है, बट अभी तक तो सस्पेक्टेड केस है, बट हम तो बता ही नहीं सकते हैं कुछ भी। सर, हम लोगों को बेतरह हैरेसमेंट किया जा रहा है ना, और हैरेस भी किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा हमारी फोटोज खींच खींच कर मुझे मिल रही है, मैं एनिमल डॉक्टर हूँ, उसके बाद भी मेरे को आना जाना बाहर होता है, ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं गई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, एज पर मूवमेंट पास मैं गई हूँ। तो बाकी यही बोलूंगी कि ह्यूमर्स है, ह्यूमर्स ना फैलाएं, अपनी सोसाइटी में केस कोई आया नहीं है, उनको सपोर्ट करो, एटलीस्ट उनकी सेफ्टी के लिए हम अपने घर पे स्टेबल हैं। थैंक यू। ये उसी मकान की तस्वीर है जहां पर पूरा परिवार क्वारंटाइन किया गया। जिस तरह से परिवार से हमने बात की है, वो डॉक्टर हैं, एनिमल्स डॉक्टर हैं खुशबू, जिन्होंने बताया कि उन्हें बेवजह लोग परेशान कर रहे हैं। उन्हीं की अभी टेस्ट उनका हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट ना आने के कारण अभी तक ये कहना बिल्कुल असंभव होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए परिवार ने तेज निगाह चैनल के माध्यम से अपील भी की है कि उन्हें बेवजह ना परेशान किया जाए, वो खुद सरकार की सारी गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की सारी गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पुलिस
कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर सारी गाड़ियों को और मकान को बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो। परिवार से बात हुई जो क्वारंटाइन हो रहे थे, उन्होंने अंदर से ही हमें बताया कि उन लोगों को यहाँ के सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं, और इसी चक्कर में यहाँ पर अभी पुलिस भी आई थी इनसे हालचाल पूछने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि वो क्वारंटाइन खुद हुए हैं, और जो सरकार की गाइडलाइन है और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइन है और COVID-19 का उनके यहाँ पर जो बैनर पोस्टर लगा दिया गया है वो बाकायदा उनको फॉलो कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और उनकी रिपोर्ट टेस्ट के लिए गई है, लेकिन अभी तक कोई किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर ये किसी के टच में आकर प्रभावित हुए हैं संक्रमण से, और एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।